नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविलाइजेशन में। आज का जो टॉपिक हमने लिया हुआ है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि यह है डेवलपमेंट लेंथ और यह है लाइफ लेंथ। ठीक है, इन दोनों टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ये सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक है। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और लाइक करें। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब तक वीडियो को आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें तब समझ में आएगा। तो आज अपन चर्चा करेंगे, ये अपना टॉपिक है डेवलपमेंट लेंथ का और एक ये लैप लेंथ का। ये शब्द जो है, ये अपना जो ये लैप और ये जो डेवलपमेंट है ना, ये दोनों शब्द हम यूज कहाँ करते हैं, सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि कहाँ पे काम आता है। तो ये सिविल इंजीनियरिंग में स्टील मतलब सरिया, ये दोनों शब्द सरिया के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अपन समझेंगे डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, मान लीजिए ये अपना हो गया कॉलम, है ना, और ये हो गई बीम। ठीक है, ये कॉलम हो गया, ये बीम हो गया। अभी हम डेवलपमेंट लेंथ आपको बता रहे हैं कि क्या कहलाता है। कॉलम हो गया, बीम हो गया, ये समझ लीजिए कि ये अपना कॉलम का स्टील जा रहा है ना, सॉरी बीम का स्टील है, और यहां से ये अपना कॉलम का स्टील निकला हुआ है जो कि इसमें जाके, ठीक है, ये अपना हो गया क्या स्टील मींस सरिया। अब इसमें आपको समझना है कि डेवलपमेंट लेंथ, हमको ये चीज देखनी है। अब इस फिगर में डेवलपमेंट लेंथ क्या कहलाता है, ठीक है, तो यहां तक तो समझ लीजिए कि अपना बीम है ना, ये पार्ट यहां तक, इधर अपना पूरा बीम है, ये वाला यहां से पूरा पार्ट अपना बीम हो गया, यहां से अपना स्टार्ट हो जाता है क्या, यहां से अपन इधर चलेंगे तो ये हो गया कॉलम, है ना। अब इस चीज को समझने के लिए, जो डेवलपमेंट लेंथ होता है तो बीम तो अपना ये जो है, ये वाली जो लाइन है वो कॉलम और बीम को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, लेकिन यहां पे जो अपना स्टील मर्ज हो रहा है, ये वाला पार्ट यहां से लेके, ठीक है, कॉलम में मर्ज हो गया, ये कॉलम यहां से लेके ये वाला पार्ट जो बीम का स्टील, जो यहां पे डायरेक्टली जो बीम का स्टील हम इस पार्ट से लेके बीम यहां तक जो 90 डिग्री एंगल में मोड़ के इसको कॉलम की स्टील के साथ ज्वाइंट करते हैं, ठीक है, कुल मिला के कहें कि ये दोनों जो स्टील हैं, इसको हम जहां तक नीचे तक ले जाएंगे ज्वाइंट के लिए, ठीक है, ये पूरा पार्ट यहां से लेके यहां तक, यही अपना डेवलपमेंट लेंथ कहलाता है। ठीक है, कौन सा पार्ट, ये यहां से लेके और यहां तक, या कहें यहां से लेके यहां तक, मतलब जो बीम का सरिया है वो कॉलम की, कॉलम के सरिया के साथ जहां तक हम ज्वाइंट करेंगे वही हमारा ये वाली लेंथ, यहां से लेके यहां तक की लेंथ हमारी डेवलपमेंट लेंथ कहलाती है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कि जो भी स्टील, ठीक है, ये अपन क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये इसलिए कि जो है जब अपन इसको 90 डिग्री एंगल में कॉलम के साथ सेट नहीं करेंगे, फिट नहीं करेंगे, तो भूकंप आएगा या ये, तो ये क्या होगा, स्टील निकल जाएगा, है ना, जो अपनी बॉन्डिंग रहती है, सिर्फ बॉन्डिंग के लिए ऐसा होता है कि ताकि जो है कॉलम और बीम में प्रॉपर बॉन्डिंग रहे, ताकि वो जो है टेंशन और कंप्रेशन मेंबर आपस में बॉन्ड बना सके, नहीं तो जब स्टील के साथ जो है भूकंप आएगा या अदर कुछ रीजंस, तो होता क्या है कि ये स्टील आपस में क्या करता है, बॉन्ड नहीं बना पाता है ना, इसलिए तो ये जो यहां से लेके कॉलम, कॉलम हो गया, ये बीम हो गया, है ना, ये अपना बीम हो गया, ये अपना कॉलम हो गया, बीम और कॉलम, तो मतलब बीम का जो सरिया है, यहां से मान लीजिए ये सरिया स्टार्ट हुआ, ठीक है, इधर अपन ने लैप किया है, तो यहां से ये सरिया स्टार्ट हुआ और यहां पे जितना लेंथ, ये लेंथ कितनी आएगी, ये हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे, अभी सिर्फ हम बताएंगे कि डेवलपमेंट लेंथ और लैप लेंथ क्या कहलाता है ना। तो ये जो स्टील है यहां से लेके ये पूरा काउंट होता है, ठीक है, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, मान लीजिए 300 mm अपना कॉलम है, है ना, 300 बाय 300 का कॉलम है, तो 300 ये, और समझ लीजिए ये लेंथ जो भी आएगी 600 आ गई, इस मान लीजिए 600 आ गई, तो ये जो ये लेंथ यहां पे लेके यहां तक की जो लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ अपनी मान लीजिए 600 आ गई, तो ये हो जाएगा 600 प्लस 300, तो जो लैप लेंथ आएगी वो कितना आएगी, 900
mm, ये पूरी वैल्यू mm में चलती है, ठीक है। तो लैप लेंथ तो समझ में आ गया, सॉरी डेवलपमेंट लेंथ तो समझ में आ गया होगा। अब आइए लैप लेंथ पे। लैप लेंथ का वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, लेकिन अब एक बार और देख लेते हैं कि लैप लेंथ कहलाता क्या है। लैप लेंथ क्या कहलाता है? सबसे पहले अपन कॉलम में समझते हैं। मान लीजिए ग्राउंड लेवल से मैंने कॉलम लाया, ठीक है। ग्राउंड लेवल से अपन क्या करते हैं, ये अपना ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से अपना ये कॉलम फुटिंग में गया, ठीक है। ये कॉलम लाया, अब यहाँ पे अपना स्टील, भाई इतनी लंबी चार महला पांच महला बिल्डिंग बनाना है तो इतनी लंबी सरिया तो आएगी नहीं, ठीक है। तो उसको या कटिंग लेंथ या तीन तूफान काट के भी अपन यूज करते हैं, है ना। तो उस कंडीशंस में समझ लीजिए कि अब मान लीजिए यहाँ पे अपना स्टील क्या हो गया, जो हाइट है खत्म हो गई, है ना। तो जो दूसरी स्टील इसमें ज्वाइंट करेंगे, ठीक है, दूसरी स्टील अपन क्या करते हैं, दूसरा सरिया यहाँ पे अपन ऐसे ज्वाइंट करते हैं, है ना, इस तरीके से। ये जो स्टील है यहां से लेके यहां तक, यही कहलाता है लैप लेंथ, ठीक है। ये जो है ये वाला पार्ट पूरा, है ना, ये यही कहलाता है लैप लेंथ, ठीक है। अब ये आता कहां से है, तो मैक्सिमाइज ये अलग अलग ग्रेड के हिसाब से है। मैंने इसका वीडियो मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, कि लैप लेंथ कैसे अपन फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं। मैक्सिमाइज अपन लेते हैं 50D। डी क्या है, तो डी है अपना डाया बार, ठीक है। सेम कंडीशन बीम में होता है, मान लीजिए ये बीम का सरिया है, ठीक है। अब ये सरिया यहां से अपन जो है दूसरा सरिया ज्वाइंट करेंगे, तो ये जो पार्ट कहलाएगा ये जो है बीम का लैप लेंथ कहलाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट। सेम कंडीशन मान लीजिए अपन को छत में चलना है, ठीक है, तो छत में ये सरिया अपन ने लगाया, ठीक है। अब जो नया सरिया अपन ज्वाइंट करेंगे, ठीक है, मान लीजिए ये मैंने नीम स्टील डाला, है ना, तो ये मैक्सिमाइज जो है स्टील छत के लिए भी ये क्या कहलाता है, तो ये भी छत का लैप लेंथ इस तरह से काउंट होता है। ये जो है मिनिमम, ये तो बीम के लिए अलग है, कॉलम के लिए अलग है, ग्रेड के हिसाब से अलग है, है ना। लेकिन अभी जो अपन लेते हैं तो वो लेते हैं 50D। इसका वीडियो मैंने मेरे पिछले वीडियो में डाला हुआ है लैप लेंथ का, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा कि लैप लेंथ निकालते कहते हैं। फिलहाल अपन डेवलपमेंट लेंथ और लैप लेंथ में डिफरेंस क्या है ये चीज इसमें बताया हूं मैं लैप लेंथ का। अब अगले वीडियो में तो जो है डेवलपमेंट लेंथ कितनी होनी चाहिए, जैसे मैंने लैप लेंथ का वीडियो मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ है पिछली वीडियो में, कि लैप लेंथ का जो टोटल लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो डेवलपमेंट लेंथ, मींस ये वाला जो पार्ट है जो अभी हमने बताया कि ये डेवलपमेंट लेंथ अपना कहलाता है, ये वाला पार्ट, ये मैक्सिमाइज या मिनिमम कितना होना चाहिए, तो ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, डेवलपमेंट लेंथ और लैप लेंथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।